नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइज़र और कंसल्टेंट हूँ। आज के मेरे इस वीडियो में केयर हेल्थ इंश्योरेंस का जो भी आपका क्लेम आता है उसका कंप्लीट क्लेम प्रोसीजर मेरे इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, आपका क्लेम दो तरीके से होता है। एक होता है कैशलेस क्लेम और दूसरा होता है रीइंबर्समेंट क्लेम। तो आइए चलिए जानते हैं पहले कि कैशलेस क्लेम किस तरह से आप कर सकते हो, और बाद में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि रीइंबर्समेंट क्लेम आप किस तरह से कर सकते हो। देखिए, जब भी आपका पहला कैशलेस में क्लेम आता है तो आप डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे एडमिट होने के लिए। तो एडमिट होने के लिए जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे तो उसके लिए आपको आपका पहला जो डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आपका कैशलेस कार्ड लगेगा, या आपके पास कैशलेस कार्ड नहीं है तो आपको पॉलिसी सर्टिफिकेट लगेगी। तो पॉलिसी सर्टिफिकेट के साथ में आपका, या कैशलेस कार्ड के साथ में आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो कि पैन कार्ड और आधार कार्ड हो सकता है। तो आपको फिर उसी हॉस्पिटल में जो भी इंश्योरेंस डेस्क है या टीपीए डेस्क है तो वहाँ पर जाके आपको कॉन्टैक्ट करना होगा और ये सभी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होगा। तो वहाँ पर आपको डेस्क के ऊपर आपको प्री ऑथोराइजेशन फॉर्म ये फिलअप करा के लेंगे और वहाँ पर आपका सिग्नेचर ले लेंगे। तो उसके साथ में आपके ऊपर जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक कोटेशन तैयार करेंगे, और वो कोटेशन, आपका ट्रीटमेंट और वो फॉर्म, ये सभी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को सेंड किए जाते हैं। उसके बाद अगले 1 से 2 घंटे के अंदर आपका अप्रूवल आता है। तो जो भी कंपनी है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी वेरीफाई करेगी इंश्योरेंस कंपनी, और वेरीफाई करने के बाद आपको कंपनी आपको अप्रूवल देगी। लेकिन अगर उनको लगता है कि इस डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी हॉस्पिटल को क्यूरी कर डाल के या मेल डाल के आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। तो ये कैशलेस में इस तरह से प्रोसीजर होता है। और बाद में जब भी आपको डिस्चार्ज जिस दिन डॉक्टर करते हैं तो जितने 3 दिन 4 दिन जितने भी दिन का आप एडमिट है तो सभी दिनों का एक फाइनल बिल तैयार किया जाता है और फाइनल बिल कंपनी को भेज दिया जाता है। तो फाइनल बिल जैसे ही आपका अप्रूव होता है तो आप उसके बाद घर जा सकते हो। सेकंड आता है रीइंबर्समेंट क्लेम। रीइंबर्समेंट क्लेम ये होता है कि जो हॉस्पिटल कंपनी के साथ में नेटवर्क में नहीं है, यानी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर आपको पहले अपना बिल का पैसा पेड करना है और उसके बाद सभी बिल कंपनी में सबमिट करके आपको वहाँ से रीइंबर्समेंट करवाना है। तो देखिए, रीइंबर्समेंट क्लेम का जो फर्स्ट प्रोसीजर ये है कि जब भी आप एडमिट होते हो तो कंपनी को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। तो इंटीमेट आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप कंपनी का जो टोल फ्री नंबर है तो उस पर कॉल करके कर सकते हो, या कंपनी वेबसाइट के ऊपर क्लेम जेनी बोल के ऑप्शन है तो उस ऑप्शन पर क्लिक करके इंटीमेशन कर सकते हो। तो इंटीमेशन में आपको हॉस्पिटल का नाम, आपका पॉलिसी नंबर, ये सभी जानकारी देना है, कौन से डेट को एडमिट हुआ है हुए हैं, और एक अप्रोक्सीमेटली आपका कितना बिल हो सकता है ये भी आपको लिखना है। तो उसके बाद जब भी आप ये सबमिट करेंगे तो कंपनी आपको एक क्लेम इंटीमेशन नंबर प्रोवाइड करेगी। ये नंबर आपको एसएमएस द्वारा आपके मोबाइल के ऊपर प्राप्त होगा। या आप, अगर आपको ये कुछ भी नहीं जम रहा है तो कंपनी का टोल फ्री नंबर पर भी आप बता सकते हो। देखिए, आइए चलिए चलते हैं अभी रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे ये जानते हैं। देखिए, जब भी आप डिस्चार्ज होंगे तो डिस्चार्ज के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन कंपनी में सबमिट करने, विद इन 15 दिन के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंटेशन कंपनी में सबमिट करने होते हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा आपकी ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी। ये डिस्चार्ज समरी ये होती है तो इसके ऊपर पूरा आपका जो भी डिसीज डायग्नोस हुआ है वो लिखा हुआ रहता है, आपका ट्रीटमेंट लिखा हुआ रहता है, आप कितने दिन एडमिट हुए थे ये सब डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो आपको ये ओरिजिनल डिस्चार्ज कार्ड साथ में आपको अटैच करना है, साथ में जितने भी ओरिजिनल हॉस्पिटल का जो भी मेन बिल है वो साथ में अटैच करना है। सेकंड है, जो भी आपका हॉस्पिटल का ओरिजिनल बिल है ये विद ब्रेकअप, यानी
कौन से चीज़ का कितना कितना बिल हुआ है, तो ये भी रिसिप्ट साथ में आपको अटैच करनी है। फिर आपके जो भी लैब या आपने टेस्ट करवाया है तो लैब और टेस्ट का जो भी रिपोर्ट्स आया है तो ये सभी रिपोर्ट्स अटैच करने हैं, और उसके साथ में जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो ये प्रिस्क्रिप्शन भी अटैच करने हैं। फिर डॉक्टर का फर्स्ट कंसल्टेशन लेटर, जब भी आप हॉस्पिटल में गए थे फर्स्ट दिन, तो उस दिन जो भी आपने कंसल्ट किया था या एडमिट होने के पहले जो भी आपने कंसल्ट किया था डॉक्टर से, तो वो भी कंसल्टेशन लेटर साथ में आपको अटैच करके देना है। फिर आपका एक बैंक का कैंसिल चेक लगेगा, जो बैंक का जो भी कैंसिल चेक है उसके ऊपर आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, या अगर आपका नाम उस चेक के ऊपर प्रिंटेड नहीं है तो बैंक पासबुक का आपको फोटोकॉपी देना है। और लास्ट जो डॉक्यूमेंशन आता है वो इंडोर केस पेपर। इंडोर केस पेपर ये होते हैं कि जो ये पेपर पे हॉस्पिटल का जो भी ट्रीटमेंट आपको दिया है तो इसका पूरी जानकारी इस पेपर में होती है, तो ये ओरिजिनल पेपर होते हैं तो कंपनी कभी भी आपको देगी नहीं, सॉरी हॉस्पिटल आपको देगा नहीं। तो ये हॉस्पिटल से फोटोकॉपी लेना है, और सभी फोटोकॉपी पे हॉस्पिटल का स्टैम्प लेना है, यानी वेरीफाई करके लेना है। तो उसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंशन आप कंपनी में सबमिट करना है। तो देखिए कंपनी में जो डॉक्यूमेंशन एक क्लेम की फाइल सबमिट करना है तो वो तीन तरीके से कर सकते हो। देखिए पहला तो आप खुद जाके ये डॉक्यूमेंशन हॉस्पिटल में दे सकते हो। सेकंड है कि बाय कुरियर द्वारा ये सभी डॉक्यूमेंशन जो क्लेम फाइल है ये कंपनी में दे सकते हो। और थर्ड है कि आप ऑनलाइन ये सभी डॉक्यूमेंशन अपलोड करना है। तो देखिए कंपनी की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे दे दूंगा, तो उस लिंक पर जाके क्लिक करके आप अपने सभी डॉक्यूमेंशन अपलोड कर सकते हो। तो जैसे ही कंपनी की लिंक ओपन करोगे तो वहाँ पर क्लेम जेनी बोल के ऑप्शन दिखाएगा, तो वहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंशन अपलोड कर सकते हो। और जो भी कंपनी का वेबसाइट है तो उसी वेबसाइट के ऊपर आप क्लेम भी इंटीमेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हो, और जो भी आपका जो भी क्लेम है उसका क्लेम भी आप ट्रैक रिकॉर्ड स्टेटस चेक कर सकते हो कि अप्रूव हुआ है या डिनाई हुआ है। और साथ में आपको ये चेक करने के लिए लेकिन आपका पॉलिसी नंबर लगेगा, तो आपका पॉलिसी नंबर जैसे ही फिलअप करोगे तो ये सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। और ये सभी डॉक्यूमेंशन आप सबमिट करने के बाद आपको विद इन 30 डेज के अंदर आपका जो भी क्लेम का पैसा है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कंपनी का आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया है, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो वहां पर आपको कॉन्टैक्ट करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो मेरी ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना। तो ये सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।